आइए 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 आइए, क्योंकि मेरा भी थोड़ा हाथ टाइट है, हाथ क्या जुबान टाइट है। सत श्री अकाल सारे यानू, मैं पैदा ही पंजाबी होया, खून ही पंजाबी है। तुसी भी नाल लेके चले आसी। हां तुसी भी नाल लेके। तो गाइस आजकल के ना चोर इतने बढ़िया है ना, देख देख गिरेगी गिरेगी, पिकनिक बन जाएगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ किचन से, क्योंकि सुबह जल्दी उठ गई थी, बट एक दो काम करने जाना था मुझे, मेरा पोस्ट ऑफिस, उसके बाद हम थोड़ा सा घूमने गए, फिर हम अभी लंच और ब्रेकफास्ट एक साथ कर रहे हैं। तो मैं बना रही हूँ अभी रोटी, सब्जी, दाल सब बना के रखी है। आइए 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 आइए, आप ही का इंतजार था, आइए रखिए इसे यहाँ पे फटाफट, चलिए और निकलिए। चाय yes. सेम कल वाली, सेम कल वाली ब्राउन कलर की होती है ना, वो वाली चाय, ठीक है, ओके, गेट लॉस्ट। तो मैं खा रही हूँ हाथ से कद्दू और चावल, मुझे बहुत बढ़िया लगता है। मतलब मेरे घर पे अगर रोटी नहीं है, चावल रखा है, कद्दू और चावल खाते हो और हाथ से, बहुत स्वाद आता है। आप लोग भी ट्राई करना, क्या पता खाते हो या नहीं खाते हो, बट एक बार ट्राई जरूर करना। इसके नाखून देखो, इसको जूते भी पहनने और नाखून भी नहीं काटने, उसके बाद कैसा अंगूठा दर्द कर रहा है मेरा, कैसे काटे, ये खराब है। तो गाइस सेना तैयार है बाहर निकलने के लिए, तो आज मैं सोच रहा हूँ पंजाबी चैलेंज करने के लिए। तो कल एक कमेंट भी आया था, आप पंजाबी चैलेंज करो, तो मैं तो बोल लूंगा इसका देखते हैं, तो अभी इससे पंजाबी बुलवाते हैं, बाकी क्या पता मैं भी बीच बीच में मार खा जाऊं, क्योंकि मेरा भी थोड़ा हाथ टाइट है, हाथ क्या जुबान टाइट है। पहले बोलता था, पूरा बचपन पंजाबी बोलने में निकला है, लेकिन जैसे बड़ा हुआ कॉलेज में गया तो वहां पे हिंदी 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 हर जगह हिंदी होती थी, तो हिंदी मुंह पे चढ़ गई है, पंजाबी भूल चुका हूं। तो याद करते हैं उन पुराने दिनों को और पंजाबी बोलना शुरू करते हैं, चलिए। सत श्री अकाल सारे यानू, मैं थोड़ी सेनापति मौजूद हेंगी, नई वीडियो हेंगी बात तो हेंगी तो बोलते हो हेंगी ये मैंने खुद बोला है, ये लाइन सोच के अभी मैं चेहरे में बैठ के बोल रही थी कि फटाफट सोच लेती हूँ, फिर मैं भी पंजाबी ओनली पंजाबी। अच्छा, तो चलिए गेड़ी मारने गेड़ी मारने, चल फिर लेट हो जाएंगे यार, सही बोल रहा हूँ ना, चल फिर लेट हो जाएंगे यार। ए फड़ो गड्डी दी चाबी, तुसी चलानी आज गड्डी, ठीक है, ओ स्कूटी। सानू बहुत बढ़िया लगता है सानू, कितने लोग हो तुम सानू? मैनू 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 बहुत बढ़िया लगता है स्कूटी लगता है, चल मैनू बहुत बढ़िया लगता है, ये लो चाबी फड़ो गड्डी दी, चल दिया मित्रों गेड़ी शेड़ी मारन। मुझे तो कम आती है गाइस पंजाबी बोलनी, बट मैं चाहती हूँ अगर नितिन मुझसे भी खराब बोले या ज्यादा हिंदी बोले तो उसको पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए, और पनिशमेंट क्या होगी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। ओ मैं तो प्योर पंजाबी बोल लेना, मैं पैदा ही पंजाबी होया, खून ही पंजाबी है। चकदे फड्डे नपदी गिल्ली, स्टैंड अटाला हटाना, और नप जाएगी गिल्ली नहीं था पीछे, ये देख, ए डिगेगी डिगेगी देख, नहीं अरे देख दुख दुख दुख, अरे ऐसी हो जाएगी आता। ओ प्यारा फुल, एनु पानी दांगे तो बड़ा हो जाऊंगा मित्रों, तो देख लो पहला ही गली तो बाहर चली गई है, एनु पता है ऐसे तो मुड़नी नहीं है मेनू बिठा के, तो पहला ही अग्गे अग्गे हो जाओ, सब समझदा मैंने फसा रखी है नेते स्कूटी। मैं बैठा होता था मैं एनू हिलाना सी, तो डिग पेंदी फिर मित्रों। मित्रों असि आ चुके पहाड़ा च, तो पहाड़ा च अगे चलते हैं, थोड़ी रील वील बनावांगे, तो पहाड़ा विच थोड़ा एडवेंचर करांगे, बैठो पीछे मोटर मार चलिए। तो चलो तुसी भी नाल लेके चले आसी। हां तुसी भी नाल लेके, गलत बोला मैंने, नहीं ना तुसी भी नाल लेके चले। हाँ तो वो रास्ता है जहाँ से सारे लोग आ रहे हैं और हम गलत जगह से आए थे। तो बचपन में मैं और मेरे जितने भी बुआ के बच्चे थे, जितने भी हम लोग सारे कजन्स थे सारी बुआओं के, हम लोग वहाँ पापा के साथ आते थे, मेरे पापा और सारे कजन्स, फिर हम लोग उस पानी में नहाने जाते थे। तो मित्रों तुसी जुड़ चुके हो मैन वर्सेस वाइल्ड दे सेकंड एपिसोड ते, तो देख सकते हो उसे एक खतरनाक रास्ता चुन लिया, क्या है अगर असि आपदे रस्ते दी परवाह करेंगे ता साड़ी मंजिल बुरा मन जाएगी, ता करके असि रस्ते दी परवाह नहीं कर रहे, और आगे नजारा एक नंबर दे मैं दिखाना तुहानू। बस मित्रों सानू थोड़ा डर भी लग रहा है कि इत्थे शेर शूर ना आ जाए, भालू कुछ भी, क्योंकि घना जंगल है मित्रों ऊपर तक देख सकते हो, ते मैनू डरा भी रही है, मैनू डरा रहा की कीता जाए। मैं कह रही हां सी की वापिस चलिए, साड़ी मंजिल बुरा मन जाएगी, मैं कहता रहा रस्ते दी परवाह नहीं करनी दोस्तों, चीता आ जाएगा तब क्या, तब नहीं करनी रास्ते की परवाह, डर तो लग रहा है। हाँ। छोटे में आते थे हम, कोई नहीं है यहाँ पे, हम ही है बस, नजारा दिखाता हूँ मित्रों को, पुल रहा पुल दे नीचे जा रहे आपा हुण, तो मित्रों देख सकते हो नजारा एक नंबर, नई चीज दिखांदा देखो, पेड़ हवा चे गाइस, ये वो जगह है पंजाबी ओनली पंजाबी गाइस, जगह तू हिंदी बोल रहा है, ये वो
जगह है जहाँ बचपन में हम पिकनिक मनाने आते थे। देख देख गिरेगी गिरेगी, पिकनिक बन जाएगी। दोस्तों थोड़ा और नीचे चल दिया, नीचे का नजारा और भी जबरदस्त है। आ जाओ इतने तक कैंपिंग करना आना चाहिए सामान समून लेके ना। कुछ दोस्त इधर दारू पीने आते हैं गाइस, देख सकते हो क्या है, हाथी का गोबर। तो गाइस देख लो हाथी का गोबर, ये रहा हाथी आता है इधर, ये सारे हाथी का गोबर है। तासी आ चुके हैं नीचे, नजारा एक नंबर दे दोस्तों। उधर भी एक नंबर दे, इधर भी एक नंबर दे, इधर भी एक नंबर दे। तो दोस्तों इस लोकेशन बाय बाय कहते हैं, तो अगली लोकेशन ते चलते हैं हुण। आ जाओ साढ़े नाल नितिन वर्सेस वाइल्ड दूजा एपिसोड, ऐदा ही चलता रहूगा। आ जाओ तो गाइस आजकल के ना चोर इतने बढ़िया है ना, मतलब दांत देनी पड़ेगी मुझे उन चोरों की। अरे स्कूटी हमारी ऐसी खड़ी थी, कोई नहीं लेके गया, कोई नहीं लेके गया, देख लो सुधर गए ना चोर, काफी सुधर गए। मतलब कोई भी लेके जा सकता था, मतलब सुनसान रोड है, एक खाली स्कूटी खड़ी है, कोई नहीं लेके गया कोई भी। तो दोस्तों जंगल में आया था, सोचा था शेर भालू चीता गैंडा मिलेगा, जंगली जोर जंगली जोर मिल गया मुझे काटेगा। देखो 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 फिर से भाग गया, फिर से थोड़ी सी हवा है ना। आजा अच्छा जल्दी आ रही हूँ, गुड मॉर्निंग हो गई, छत चलेंगे, आ जाओ जल्दी जल्दी जल्दी। तो आज यही सवाल है कि हवा कहाँ की है, हवा है पर कहाँ की है वो नहीं पता। तो गाइस मेरे पास एक ही पतंग थी, इसका भी हो गया क्रियाक्रम, सो सैड। देखो हवा चल रही थी आज, और ये झंडे वंडे में फंस के इधर फंस के फट गई। अब क्या करूं इस फटी पतंग का मैं। स्वीटी चल नीचे, गेट लॉस्ट, जल्दी आ मस्त उड़ा दी पतंग, जल्दी आ, फूल देख हवा में, देख वहां देख, वो देख नीचे देख, फट गई है। कैसे यहाँ बस फंस के फट गई। लो अभी इसको खा लो, थैंक यू, गुड वेरी गुड। चलो मेरा सामान उठाओ, नीचे खाऊंगा मैं, नटखट वटखट सब कुछ। गाइस चलिए आ स्वीटी, आ जा देखिए जी, आ जा। हम स्वीटी, एक कमेंट है वंदना गुरंग 5405, नितिन भाई मुझे आप दोनों को देख के अपना टाइम याद आ रहा है, हम भी शादी से पहले ऐसे ही थे और एक दूसरे के घर ऐसे ही टाइम स्पेंड करते थे। लाइफ का सबसे अच्छा पल है ये, सो मुझे लगता है कि लाइफ एक बार मिलती है, सो यही पल है जो शादी के बाद बहुत याद आते हैं। सबसे पहले तो मुझे खुशी हो रही है कि मेरे व्यूअर्स में से, मेरे सब्सक्राइबर्स में से पहले ऐसे सब्सक्राइबर है या पहला ऐसा कमेंट है जिन्होंने कहा है कि हम भी शादी से पहले ऐसे रहते थे। पहला ऐसा होगा तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि ऐसे भी लोग हैं और भी हैं। तो मतलब नहीं, तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं इंडिया में, अर्थ में मैं अकेला हूँ क्या जो मैं ऐसे रह रहा हूँ, क्या कर दिया ऐसा। मुझे ऐसा फील होने लगा था इंटरनली, मुझे ताज पहनाना चाहिए, कोई आए मुझे ताज पहनाए कि यू आर दी ओनली वन, आप हो जो ये कर रहे हो। भाई यार पूरी दुनिया में रहते हैं लोग यार, तो मुझे काफी अच्छा लगा कमेंट, बहुत खुशी हुई है जान के, थैंक्स अलॉट वंदना जी। तो नेक्स्ट है पराची यादव 3960, नितिन भाई आप दोनों ऐसे ही मेहनत करते रहो, एक दिन कामयाबी आपके कदम चूमेगी, आपके मुंह में घी शक्कर गुड़ मीठा जो भी सब कुछ होता है, दही चीनी सब कुछ आपके मुंह में, थैंक्स अलॉट पराची जी। तो वही बात है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत के बिना तो कुछ मिलता नहीं है, बैठे बैठे तो कुछ मिलेगा नहीं, पहले भी कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। तो नेक्स्ट है सुरेश माचरा 2242, कोई बात नहीं नितिन भैया, लोगों का काम है बोलना, आप अपनी लाइफ एंजॉय करो, लोग तो आप दोनों को खुश देखकर जलते हैं इसलिए ऐसा कमेंट करते हैं। अब मुझे नहीं पता लोग जलते हैं नहीं जलते हैं या कमेंट कोई करवाते हैं, कुछ लोग होते हैं कि एक आधा लोग होते हैं जो जलते हैं तो फिर वो सबका फोन लेके कमेंट्स करवाते हैं कि इसको ये करो, वो आपस में लगे रहते हैं, वो उसका रिप्लाई दे रहा है, वो उसका रिप्लाई दे रहा है, वो उसका रिप्लाई दे रहा है, तो ऐसे लगे रहते हैं कुछ लोग, उनका टाइम पास नहीं हो रहा था ना किसी और चीज में, तो उन्हें एक पर्टिकुलर चीज चाहिए होती है जिसको पकड़ के उसी के पीछे लगे रहते हैं। कोई बात नहीं, लगे रहने दो, देख तो रहे ना हमें, हमें इसी चीज की बहुत खुशी है, हम तो खुश है अपनी जिंदगी में भैया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बस गाइस आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, लव यू ऑल। और जो भी हमारे सपोर्टर्स हैं उन्हें दिल से थैंक यू सो मच कि वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं, तो बस ऐसे ही जिंदगी भर का साथ बना के रखें। तो लव यू ऑल, ध्यान रखें गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।